ए वाट्सअप गाइज सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड तो फिर फिलहाल आपके लिए क्या करो नई वीडियो एंड इस वीडियो वीडियो के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे गाइज और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि हनी पाजी की नई एल्बम आ रही है ग्लोरी उस पर रिएक्शन करो उसके कुछ टीज़र वगैरह आए हैं तो उन पर रिएक्शन करो तो थोड़ा सा बिजी भी था और अवेलेबल भी नहीं था यहाँ को ड्रॉप करने के लिए घर पे तो फिर तीन चार दिन से ऐसे ही बिजी थे राखी रुखी के करके तो कल मैं देख रहा था बहुत कमेंट्स आ रहे थे मैसेजेस भी आ रहे थे तो हनी सिंह पाजी की एल्बम आ रही है ग्लोरी एंड मैंने कहीं इंटरव्यू था इनका कुछ पॉडकास्ट था उसमें ये चीज़ इन्होंने कही थी कि ये पूरी पुरानी वाइब देगी एल्बम जैसे लोग मेरे को पहले जैसे देखना चाहते हैं वैसी फील देगी है ना और बहुत सारे लोग मतलब अगर हनी सिंह के फैंस अगर शो हैं तो मेरे ख्याल से 95 बंदे ऐसे होंगे जो पुराना हनी सिंह देखना चाहते हैं मेरे ख्याल से सो ही ऐसे होंगे कि जिन चाहते हैं कि पुरानी फील आए कोई दौर था भाई हनी सिंह का ऐसा कि जिसमें हनी सिंह ने पूरी दुनिया ने जाके रखी थी जैसे एक हम कह सकते हैं ना सिद्धू का दौर है ना तो उस तरीके से भाई हनी सिंह का भी दौर था कोई टाइम पे अभी भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हनी सिंह की ऐसी बात नहीं है सो ग्लोरी एल्बम आ रही है तो इसकी एक इंट्रोडक्शन है मतलब हनी सिंह भाई ने बताया होगा इसके बीच में मेरे ख्याल से कुछ अपने गानों के बारे में या कुछ भी चीज़ें बताई होंगी तो उसको प्ले करते हैं और देखते हैं भाई क्या बातचीत करी हनी भाई ने और इसका फिर टीजर भी आया तो उसके बाद इसके बाद उस पर ही रिएक्शन करूँगा मैं पहले तो सोच रहा था इकट्ठा कर लेता पर फिर मैं कहा चलो वो अलग से करते हैं टीज़र इसका एंड बाकी इसको प्ले करते हैं क्या और फिर करते हैं बाकी बातें है डिस्कस यो यो शिबो यो हनी सिंह सो so, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी एल्बम ग्लोरी होम ग्रोन इंटरनेशनल एल्बम की ट्रैक लिस्ट रिलीज कर दी है सो oh so, कुछ बातें करते हैं ट्रैक लिस्ट, लिस्ट के बारे में और ग्लोरी के गानों के बारे में ग्लोरी का पहला गाना है मिलेनियर तो आप सोचेंगे मिलेनियर क्यों तो ऊपर वाले की दया से 18 साल हो गए मुझे काम करते हुए ऑफिशियली और मैंने जितने भी गाने बनाए जितने भी म्यूजिक वीडियोस बनाए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और बिगेस्ट म्यूज़िक वीडियोस बनाए yes. जैसा कि आप सब जानते हैं लेकिन मैंने बात करी रोटी और भिंडी की सड़क की गांव की कभी मैंने फ्लेक्स नहीं किया और कभ... वही चीज़ें लोगों को पसंद थी है ना जिस चीज आप सिंह की वो चीज़ें होती थी रोटी और भिंडी या फिर ब्लू आइज हो गया देसी कलाकार भाई ये चीज़ें ना अलग ही हैं अभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा है मेरे पास दौलत है शहरत है लेकिन मेरे सारे भाई और आजकल के सारे मेरे फैंस सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें कुछ फ्लैक्स करें तो छोटी सी फुकरी मारी है हमने मिलेनर <laughs> तो भोलेनाथ की दया से रुपयों में तो मिलेनर हैं <laughs> डॉलर में भी बन जाएंगे जल्दी आप चाहेंगे तो सो so, मिलेनर इसी बारे में ग्लोरी का दूसरा गाना है जट महकमा बहुत खतरनाक है स्पेशली मेरी पंजाब की जो ऑडियंस है पंजाब से मेरी शुरुआत हुई टू से और शुरुआत मेरी 2005 में हो गई थी दिल्ली से लेकिन आ, असल शुरुआत मेरी पंजाब की धरती से हुई और आ, सारे मेरे पंजाबी भ्रा किने चर तो मैंने कह रहे थे कुछ ठेठ पंजाबी गीत नहीं आ रहा कुछ चकवा ऑल भाई ये बात सच है कि हनी सिंह की जो मतलब कि एक फैन फॉलोइंग है है ना वो तो मैक्सिमम आर्टिस्ट की होती है ना चलो जिनकी भी है बट हनी सिंह की फैन फॉलोइंग भाई कट्टर वाली फैन फॉलोइंग है ये चीज़ आप सभी ने भी नोटिस की होगी मेरा फ्रेंड है वो हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन है ना बीच में जब गैप रहा तो चलो क्या ही बात होगी है ना तो उससे पहले वो चीज़ यही कहता था फिर अभी जब इंटरव्यू आते हैं पोर्ड कास्ट आता है मेरे को दोबारा से वही चीज़ दिखाते इतने सालों से लेके अभी तक वही चीज़ उसकी कंसिस्टेंसी है कि हनी सिंह का फैन हूँ मैं हनी सिंह मेरे को पसंद है ना वही चीज़ हनी सिंह के कट्टर फैंस है भाई जो भी है वो फैंस दिल से प्यार करते हैं और तब से लेके अभी तक वो जुड़े हुए हैं एंड उम्मीद करते रहते हैं कि हर एक चीज़ उनके मतलब कि जिस हिसाब से वो पहले देखते हैं हनी को है ना उस हिसाब से चीज़ें आगे आए उसी हिसाब के गाने आ गए हैं मैं भी खुद यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि पुरानी वाली फॉर्म आए जो एक रैप आया था गाना आया था ना क्या बोलते हैं निज्जर का गाना था अकाउंट जिसमें एक्सिंग का रैप था उसमें थोड़ी सी फील बनी थी है ना क्योंकि पूरी बातें वैसी हो रही थी और जो पहले होती थी चीज़ें वैसा वैसा ही हो रहा था एक लाइन थी उसमें यार ना, है ना बेस्कट बॉल वाली या बॉल वाली कुछ वो बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी माई फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स इन पंजाब ऑल ओवर ऑल ऑफ द पंजाबीज एंड स्पेशली माई ब्रदर्स इन नॉर्थ अमेरिका कैनेडा सो दिस इज फॉर यू जट मैकमा ग्लोरी का तीसरा गाना है हाई ऑन मी हाई ऑन मी और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर के साथ सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड आई uh, जस्ट लव हिज़ वॉइस पहले मुझे लगता था कि तलविंदर अपनी आवाज़ में कोई प्लग इन यूज़ करता है जो वो विबराटो आता है लेकिन जब मैंने उसको लाइव गवाया तो ही सो स्मूथ ही सो ही सो रियल एंड ही सो जेन्यून एज ए ह्यूमन बींग एज वेल और मुँह पे उसके मखौटा रहता है हमेशा अपनी शक्ल नहीं दिखाता है लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है और ये गाना बहुत खलारे वाला गाना है बहुत <laughs> खलारे वाला गाना है इसमें तीन तरह का रैप किया है मैंने और बहुत वाइल्ड सॉन्ग है सो हाई ऑन मी फोर्थ सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इस कॉल फक देम बट एक्चुअली इज़ फ़क एम स्लैंग में फक एम बोलते हैं तो फक देम हमने इसलिए लिखा कि सब समझ पाए तो इसमें मेरा छोटा भाई लियो जिसने मेरी पूरी एल्बम hmm. मेरा कंटेंट लिखा है और मेरे दिल के बहुत करीब है लियो तो मैंने लियो को रिक्वेस्ट करी जब ये गाना बन चुका था पूरा फिर भी मैंने कहा लियो कि नहीं एक वर्ष मुझे तेरा भी चाहिए रैप का इसमें सो so, लियो ने रैप किया है और इसमें हमने जवाब दिए कई पतंदरों को जो हमें कई सालों से बहुत तंग कर रहे थे बहुत चिड़ाना का कोशिश चिड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम चिड़ते नहीं है एक दो बंदे हैं हमने कहा चलो फैंस बहुत चाह रहे थे कि हम कई लोगों को जवाब दें तो इसमें वी जस्ट सेट सिंपली एंड

पूरी ग्लोरी में पंजाबी हिंदी हर तरह का रैप है मेरा अलग अलग फ्लोज़ अलग अलग स्टाइल अलग अलग मूड्स के रैप हैं तो इसमें स्टार्टिंग में एक मज़ेदार सा रैप है उसके बाद सरप्राइज़ है दो सुपर टैलेंटेड बच्चे दिल्ली शहर से बहुत बेहतरीन आवाज़ है उनकी उनका नाम है शम्स बहुत ब्लेस्ड हैं बहुत प्यारे बच्चे हैं बहुत अच्छा गाते हैं बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका उनको मैंने फीचर किया है एक सरप्राइज़ है इस गाने में आप खुद सुनिए और मुझे बताइए सिक्स सॉन्ग ऑ ऑफ ग्लोरी इज़ it. इट्स अ वेरी रोमांटिक आर एन बी सॉन्ग एंड इज़ अ वेरी स्मूद वाई वेरी लेट बैक एंड आज जब इसको सुनेंगे आपको पता चलेगा महसूस करेंगे इसके मैंने बहुत सारे वर्जन बनाए बार बार चेंज करता गया और लियो ने बहुत अच्छा लिखा है गाना उसने एक्चुअली में मेरी लाइफ में मेरे इमोशन लिखे हैं जिस तरह का मैं हूँ पूरी एल्बम में लियो ने वो लिखा है जो मैं हूँ और मुझे लगता है शायद लियो के अलावा और कोई नहीं लिख सकता आज तक जो मैंने खुद लिखा वो खुद लिखा लेकिन दिस टाइम Leo said, "Ki I'm gonna write for you, cause I'm, know you for more than 15, 16 years, and we've been together from so long, or हमने पूरी दुनिया साथ में travel So Leo yes. wrote, uh, "Hi, did very specially for me. It's a very r vibe. Seventh song of glory is Malamal. Mal -mal. It's called Malamal. -mal. It got amazing vocalist Yina Mines, who's my dear, dear friend. She lives in Europe, but she's from Colombia, and she's crazy. She's crazy, and this song." is so wild it gonna take over all the clubs worldwide not just india and colombia south america your your honey singh is coming lo bhi mere mitro bhrao ath number da geet rounds and ring hey, Round dhi, te ring ha ah. khode le leke aa reyan nawan sandook bo talented oh bhai saab kya baat hai bhai gana ye tagda hone wala nawan sandoopaji aa re naal हानिपा जी भाई कमाल का गाना है हाँ गा, नवान सिंधु की राइटिंग भी भाई वो सिरे के लेवल की है वो पूछो मत मैं तो गई बहुत बार इस चीज़ का जिक्र भी कर चुका हूँ जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं ना पर्टिकुलरली तो मैं इस चीज़ का हमेशा जिक्र करता हूँ कि कुछ अंडर रेटेड आर्टिस्ट हैं कि जिनको बहुत मतलब कि फैन फॉलोइंग तो चलो है ही पर जिनको टॉप के लेवल पर होने चाहिए उनके व्यूज अच्छे आने चाहिए लेकिन उस हिसाब से उनको रीच नहीं मिल पाती है नहीं मिल रही है ना एक नवाज सिंधु भाई हो गए फिर वरिंदर बरार बाजी हो गए एंड जेरी हो गया एंड और भी सिंगर है एक दो इधर दें एक दो की है ही है ऑलमोस्ट है ना कि फिर एक हो रहा है तेगी पन्नू भाई है ना मतलब कि है इनकी फैन फॉलोइंग अच्छे लाख खासे लोग जानते हैं बट एक नाम है ना वो चीज़ मतलब है वो भी है आप समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अंडाइडेटेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पे एंड ये गाना मेरे को वही फील दे रहा है कि जिस हिसाब से हनी भाजी कह रहे हैं जैसे पंगा गाना नहीं आ रहा जो पंगा पे आ जाए भाई उसी हिसाब को है ना गोलियों गोलियों वाला पूरी खतरनाक राउंड एंड ड्रिंक बात तो वही है बाकी देखोगे ਸੁਪਰ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਫੋਕ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੀ ਵਾਈਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਬਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਐਂਡ ਆਈ ਗਾਟ ਦ ਵਰਸ ਆਫ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਬੋਨਾਫਾਈਡ he i uh, we we know each other since 2003 cuz i started making beats for these people sean alister uh, and uh, They are my brothers. So I wanted Sean to, to drop his English verse in it. So Sean means Bonafide is singing in English and my Punjabi verse is insane.

एंड uh, पहले गाने की तो मेरे ख्याल से वीडियो भी आएगी मिली गाना उसका टीजर आया हुआ है मेरे ख्याल से वीडियो भी आएगी उसकी सुनेंगे आपको पता लग जाएगा नाइन सॉन्ग है लापता फो दिल्ली की बहुत प्यारी आर्टिस्ट है शी इज़ लाइक अ अस्टर तुम ही बहुत टैलेंटेड है और फो ने ही अपना पार्ट सारा लिखा है और uh, बहुत अलग सी वाइब क्रिएट करी है हमने वेरी न्यू स्कूल बॉलीवुड जो होना चाहिए अभी बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कुछ हो रहा है ख़ास लेकिन बहुत सारे रीमेक्स ही हो रहे हैं वो समथिंग ओरिजिनल समथिंग वेरी मेलोडियस एंड अमेजिंग लापता दसवें का गाना पायल पायल ओ हो हो क्या लिखा <laughs> है पैराडॉक्स पैराडॉक्स में क्या लिखा Paradox, भाई फिर मैंने movie. क्या गाया है और जो इसकी बीट है आप पागल होने वाले हैं एक सरप्राइज है बताना नहीं चाहूंगा लेकिन बता दू कि नहीं नहीं आप बीट खुद सुनना आपको एक सरप्राइज मिलेगा बहुत नई तरह की बीट है Like in both Hindustani you understand yeah. So it's a Hindustani dance hall, let me tell you. It's a dance How hall. It's a Hindustani it's dance hall. I don't believe in copying Gori and Kale. I want them to one day they, they should copy me, copy us, all of us. Yes. So that's what I believe. So it's a Hindustani dance hall featuring super talented, amazing artists, amazing human being, Paradox. ग्यारह नंबर का गाना है ग्लोरी में कालियंत कालियंत का मीन होता है मतलब होता है हॉट तो टेम्परेचर हॉट होने वाला है बहुत हॉट एक एक ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा ब्राजील में शूट करूंगा बस ये बताऊंगा बारह नंबर का गाना, गाना बहुत स्पेशल है लियो ने मेरे लिए लिखा है बड़े खतरनाक जज्बात हैं सच बताऊं तो मैं रिवील नहीं करना चाहता था लेकिन आपको बता देता हूँ यू आर माई फैमिली

आप सही समझ रहे हैं मजनू लैला मजनू वाला तो मजनू अरबिक में मतलब होता है क्रेजी okay. तो जो uh, मजनू था उसका असली नाम था कैस तो वो इतना क्रेजी था लैला के लिए तो लोग उसको मजनू बोलते थे तो हमारे हिंदुस्तान में लोग मजनू कर देते हैं सिर्फ तो जी हाँ ये मजनू के बारे में ही गाना है और सुपर टैलेंटेड जमीला इज़ ऑन द ट्रैक विद मी श्योर अमेजिंग वॉइस एन अरबिक कोलेबोरेशन फॉर ऑल माई अरब

2002 2003 મે ઓર સીસે વાલી ચુનિયા ભાઈ ગાને કા નામ તો સમਝ જાઓ કонસી વાસામે હોને વાલા હે તો યહી હે બસ બાકી સુન કે બતાના 15 સોંગ ઓહ 15 આ ક્લોરી ઇઝ વેરી અમેઝિંગ સોંગ ઇટ્સ અગેન એન આર એન બી વાઇબ શ્યામા دے વેલે એ ਜਦੋਂ ਲਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਮੈਂ गाਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਮੀ ਵੋਕਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਲਡੀ ਬਹੁਤ ਛਲ ਗਈ ਲਿਰਿਕਸ ਬਹੁਤ अच्छੇ ਲਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ગાਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਓ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਫੱਬਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹਾ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਲਿਓ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਐਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਰਪ ਕੀਤਾ ਆਰ ਐਨ ਬੀ ਵਾਈਬ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰ ਐਨ ਬੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਓਕੇ 16th Song of the album is amazing fusion what i want to develop from so long And I got my brother Leong, from Italy, who sings in French in this song. I requested him to sing in French because uh, in uh, North Africa, s most of the parts of Arab, from like Morocco, Algeria, people speak French, and uh, definitely in Europe as well, people understand French. So I want him to sing in French for me. J basically, he's an Italian singer, amazing artist, very good human being. And I got Wahab uh, Bukti to do just. फ्यू बार्स फॉर मी ऑन इट एंड टू गिव इन वेरी एथनिक टच सो इट्स अ फ्यूजन फ्रॉम माई साइड आई होप यू कैन लाइक इट राम राम भाई ने सत्रह नंबर का गाना छोरी फीचरिंग पैराडॉक्स और क्या बताऊ मैं बो भाई यो के. और ना बताऊंगा कौन सी भाषा में आप समझ लो और जब गाना आएगा पूरी एलबम आएगी बताना कैसा लगा लास्ट सॉन्ग ऑफ द एलबम इज वेरी स्पेशल टू माई हार्ट इट्स वेरी स्पेशल टू माई हार्ट गाने का नाम है The song of the name is called Rap God featuring Handles. Handles did an amazing English intro for me for Rap God and then I got a surprise by Sahiba and then uh, you're gonna hear my verse in it and it's straight from my heart written by Leo just for all my fans. So this was Glory track list breakdown.

तो so, बाकी वेट है भाई अब ट्वेंटी सिक्स का जब गाने आएंगे हनी बाजी के एंड वीडियोस भी आएँगे बट वीडियोस आएंगी बाद में फ़िलहाल मेरे ख्याल से एक मिलीनियर की वीडियो आ जाए मे भी पहले साथ में और बाकी गानों की शायद जो है वो बाद में है ना जो भी रहेगा वो देखेंगे इसके बाद मैं गई रिएक्शन करूँगा तो वो भी आपने देखना है वो मिलीनियर के टीजर पर करते हैं हम इसके बाद इस में मैं वो कर दूँगा रिकॉर्ड एंड बाकी वेट करते हैं भाई ट्वेंटी सिक्स का देखते हैं कैसी इस बार वो निकल के आती है वाइब जिसको लोग मिस कर रहे हैं क्या हनी सिंह पाजी वो पूरी कर पाते हैं लोगों की चीज़ या नहीं कर पाते हैं वो जरूर देखेंगे हम गाने बट मेरे ख्याल से कुछ गाने होंगे ऐसे क्योंकि हनी सिंह पाजी का तो यही रहेगा कि थोड़ा सा परसटाइल रहें कुछ यूनिक चीज़ें ट्राई करें क्योंकि भाई वो हिप हॉप लेके आए थे किसी टाइम पे दौर लेके आए हैं हिप हॉप का एंड दुनिया पागल करी थी उन्होंने किसी टाइम तो हज़ार तेरह चौदह के करीब ना तेरह चौदह में ही एंड हम भी जाते थे तो गाने उनके वो आप सभी को भी पता ही है तो मेरे ख्याल से वो भी कुछ ऐसी नई नई चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करते रहते हैं नए नए तरीके नए नए गाने जो है वो ढूंढते रहेंगे और इसमें भी शायद हमें वर्सटैलिटी देखने को मिलेगी डेफिनेटली ये बात है बट मेरे ख्याल से कुछ पुराने टच भी हएंगी इसमें जहाँ तक मेरा क्या ऐसे मेरे को एक तो गाना लग रहा है इनका रैक्स एंड राउंड और जो पैराडॉक्स के साथ है गाने वो भाई खतरनाक वाले होने वाले हैं क्योंकि पैराडॉक्स भी थोड़ा उसी तरीके का थोड़ी देसी वायु वाला एंड बाकी शायद ना बाकी देख के लगेगा पता चलो वेट करते हैं जैसे भी रहेगा सो so, बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में